Assalamualaikum. Welcome to new lecture. Here we will discuss some applications of theorem which we have discussed in previous lecture. The theorem was that if two angles of triangle are congruent, ठीक है सबसे पहले हम इस theorem को लिख लेते हैं ताकि आपको clear हो कि हमने कैसे use करना है. If two angles of triangle are congruent, then the sides opposite to them are also congruent. ठीक है साइड्स ओपोजिट टू इट तो बेसिकली हम यहाँ पे वर्ड ओपोजिट टू इट लिख लेते हैं आर आल्सो कॉन्ग्रेंट. ठीक है देखें क्या मतलब है. जैसे देखें यहाँ पे आप ए बी सी कोई ट्रायंगल लेते हैं. ठीक है तो ए बी सी ट्रायंगल में अगर आपसे कहा जाए कि ये साइड और ये साइड मींस ए बी और ए सी कॉन्ग्रेंट होते हैं ना तो कन्फर्म है कि इनके जो ओपोजिट एंगल होंगे. जैसे ए बी के ओपोजिट देखें ये वाला एंगल आ रहा है सी और ए सी के ऑपोजिट देखें तो ये वाला एंगल आ रहा है बी. तो बेसिकली ये जो एंगल है ना इसको बेशक आप एंगल वन मार्क कर दें इसको एंगल टू मार्क कर दें तो कंफर्म है कि एंगल वन और एंगल टू कॉन्ग्रेंट होंगे. ठीक है लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए कि ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं जैसे कोई से दो एंगल है वो कॉन्ग्रेंट है जैसे ए बी सी ही मार्क कर लेते हैं हम और अगर आपको पहले पता हो कि एंगल सी और एंगल बी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है तो कन्फर्म है सी के ऑपोजिट साइड ए बी है ना और ए इसमें बी के ऑपोजिट ए सी साइड है तो कंफर्म है ये दोनों भी इक्वल होंगे. ठीक है देखिए अब हम इस थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं. ये तो थे मैथमेटिकल सिंपल एक्सप्रेशंस. आपको बेसिकली सेम कोई फिगर गिवन हो ठीक है और उसी फिगर में लेट सी आपसे ये कहा जाए कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री के इक्वल है. ठीक है और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री की इक्वल है. ठीक है बेसिकली इस एंगल के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन ना हो. ठीक है जैसे ए बी सी यहाँ पे गिवन है तो देखें आपसे अगर कोई ये कहे कि आप यहाँ पे बेसिकली बताएं कि ए बी और ए सी में क्या रिलेशन होगा. ठीक है और ऐसा करते हैं इसी फिगर में मेंशन कर देते हैं ये 5 सेंटीमीटर है. ठीक है आपको कहा जाए कि आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखिए बेसिकली एक्स को फाइंड आउट करने के लिए ना आप यहाँ पे सबसे पहला रिजल्ट यूज करेंगे कि एज वी नोट डेट मेजरमेंट एंगल बी इज गिवन इन द फिगर और मेजरमेंट एंगल सी भी गिवन है जो कि 30 डिग्री की इक्वल है. ठीक है आप यहाँ मेंशन कर दें कि मेजरमेंट एंगल बी और मेजरमेंट एंगल सी बेसिकली ये दोनों कॉन्ग्रेंट आ रहे हैं. ठीक है तो आगे हम थ्योरम की स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं इफ टू एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल. ठीक है आर ट्राइंगल का मतलब है अगर एक ही ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है आर कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कि वो दोनों अगर इक्वल है. ठीक है देन द साइड्स ओपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रेंट. ठीक है अच्छा देखिए अगर ये कॉन्ग्रेंट आ रही है ना साइड्स भी मतलब ये तो हमने थ्रू थ्योरम लिखा है ना थ्योरम की स्टेटमेंट से हमें ये स्टेटमेंट क्लियर है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इस रिजल्ट को यहाँ यूटिलाइज कर लेते हैं. ठीक है आप सबसे पहले लिखें कि ए बी के जो मेजरमेंट है ना वो ए सी के मेजरमेंट की कॉन्ग्रेंट होगी. ठीक है अब देखें ए बी आपको गिवन है क्वेश्चन में कि 5 सेंटीमीटर की इक्वल है और ए सी एक्स की इक्वल है तो बेसिकली आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली थी तो आपने डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल ली है जो कि 5 सेंटीमीटर की इक्वल आ रही है. ठीक है अब देखिए ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको फिगर डिफरेंट टाइप की गिवन हो. जैसे अगर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में लेट सी कोई सी दो साइड्स आ रही हैं जैसे ये 5 सेंटीमीटर की इक्वल है और ये भी 5 सेंटीमीटर की इक्वल है. ठीक है और इस एंगल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो कि ये 50 डिग्री के इक्वल है. ठीक है और इस ट्राइंगल को हम अपनी आसानी के लिए ए बी सी मार्क कर देते हैं और इस एंगल को इन्होंने वाई मार्क किया हो और इस एंगल को फॉर एग्जाम्पल एक्स मार्क किया हो. ठीक है और आपसे कहा जाए इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है दोनों अननोन वेरिएबल की वैल्यूज अगर आपने फाइंड करनी हो तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे पूरी फिगर में देखें कि एज फ्रॉम द फिगर अगर यहां पे हम फोकस करें ना तो इस ट्राइंगल में बेसिकली ए बी और ए सी दोनों इक्वल है. ठीक है क्यों इक्वल है क्योंकि इन दोनों की जो मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर की इक्वल है. ठीक है अगर ए बी और ए सी दोनों 5 सेंटीमीटर की इक्वल है तो यहाँ पे आप लास्ट पे लिखते हैं ये 5 सेंटीमीटर है मेजरमेंट. अगर ये दोनों 5 सेंटीमीटर की इक्वल आ रहे हैं ना नाउ यूज द रिजल्ट हियर बिकॉज द कन्वर्स थ्योरम आल्सो एग्जिस्ट इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर
कॉन्ग्रेंट। अगर दो साइड्स आपके पास कॉन्ग्रेंट होती है ना तो कंफर्म है देन देयर ओपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट में लिख सकते हैं देन द ओपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। ठीक है, अच्छा देखिए जब ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट है ना तो बेसिकली देखिए ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, तो ए बी के ऑपोजिट वाई एंगल आ रहा है। ठीक है, और वाई किसके इक्वल होगा, मतलब पहले हम यहां लिख लेते हैं कि बेसिकली एंगल सी कॉन्ग्रेंट होगा एंगल बी के। अगर एंगल सी एंगल बी के कॉन्ग्रेंट है तो एंगल सी की मेजरमेंट वाई है और एंगल बी की मेजरमेंट 50 है, तो बेसिकली वाई 50 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन था कि आपने तो एक्स एंगल भी निकालना है। नाउ आप इस पूरी ट्राइंगल में देखें कि इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम यहाँ पे देखें तो ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। अगर इसका सम 180 डिग्री के इक्वल है तो आपने तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस वाई प्लस 50 इक्वल्स 180, तो x को आइसोलेट करेंगे तो 180 में से आपने 50-50 का सम माइनस करना है, तो बेसिकली 100 आ रहा है। जब आप 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 80 हियर। तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है। हमेशा याद रखिएगा जब भी हमें शेप्स में किसी अननोन एंगल या साइड को फाइंड आउट करना होगा तो जितने थ्योरम्स हम डिस्कस कर रहे हैं इन सब थ्योरम्स के स्टेटमेंट को हमने अप्लाई करना होगा, इन सब रिजल्ट्स को हमने मेमोराइज करना है, मतलब ये रिजल्ट हमें पता होना चाहिए ताकि हम जो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं या इससे रिलेटेड जितनी भी शेप्स आ रही हैं हम उन शेप्स को प्रॉपर सॉल्व कर सकें। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मजीद कुछ ऐसे रिलेशंस देखेंगे जो ट्राइंगल के लिए एग्जिस्ट करते हैं।